मेरा हम पैसा है, मतलब हम लोग का ये रोजगार है, हम लोग सीखे नहीं है, मतलब हम लोग का मतलब देन है, गॉड गिफ्टेड है। ये नपना, इससे चाय नापा जाता है। अब देखें कितना आता है इसमें। अरे वाह, पूरा एक प्याली आया है। बचपन में एक हम लोग खेल खेला करते थे, आलू कचालू कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बिहार की जैसे लिट्टी होती है ना, और दाल बाटी का बाटी होता है, तो बाटी के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, तो बिहार का जब अनरसा खाइएगा तो लिट्टी के जैसा हो जाएगा, जिसके अंदर फीलिंग आ जाएगी। अच्छा, देख कितने अच्छे सर ने समझाया हमें। फल्गु नदी स्थित ज्ञान और मोक्ष की धरती गया में आपका स्वागत है। अभी हम लोग महाबोधि टेम्पल जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको गया के फूड टूर पे ले चलेंगे। आइए हमारे साथ। हमारे ठीक पीछे महाबोधि टेम्पल है, इसी जगह पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा भी काफ़ी अच्छा आध्यात्मिक अनुभव रहा। चलते हैं फूड टूर के लिए। एक 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 पीस दे दीजिए, एक पीस। हाँ, बढ़िया सिका हुआ दीजिए, वो बीच वाला दीजिए, बीच वाला। हाँ, कितने का एक पीस? एक पीस दस रुपये का। तो हमने ये टिबेटन ब्रेड लिया है, इसका नाम है फाले, और काफ़ी फ्लफी है। इसको चाय के साथ भी खाते हैं, सब्जी के साथ भी खाते हैं। आइए हमें देखते हैं आगे क्या मिलता है, उसके साथ खाएंगे। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से हैं। साउथ इंडिया में कहाँ से? कर्नाटका से। तो यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं? यहाँ पे कितना दिन बोला तो हम जो अभी 13 तारीख तक बैठेगा, 13 तारीख तक रहेंगे। सही से खा रहा है ना? डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया। विनेगर डाल के अच्छा उसका खट्टापन आ रहा है, और चिली सॉस का हीट भी है, गार्लिक की भी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये यहाँ के लोकल ब्रेड, इसको फाले बोलते हैं। इसको हम लोग राइस नूडल्स के सूप में डुबो के खा रहे हैं। ये काफ़ी फ्लफी है और स्पॉन्जी भी है, अगर इसको सूप में डुबोते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही उम्दा जायका आता है। इस फाले को चाय में डुबो के भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई दिन की। हमने मॉर्निंग में दर्शन किया महाबोधि टेम्पल का, उसके बाद लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई किया। अब चलते हैं गया का फूड टूर करने के लिए। तो
दोपहर के भोजन के लिए गया में हम आ चुके हैं राजस्थान भोजनालय। यहाँ पे हम जायका लेंगे शुद्ध शाकाहारी बिहारी थाली का। आइए हमारे साथ। चने को रोस्ट करके उसको पीसा जाता है, उसका सत्तू तैयार होता है, उसमें उन्होंने मिलाया सरसों का तेल, अजवाइन, मंगरेला और फिर आटे का डो बना के उसके अंदर स्टफ किया है और उसको फिर तवे पे सेक रहे हैं। आलू करेले की भुजिया, आलू राजमा, दाल, कढ़ी पकौड़ा, दही, पालक मूंग दाल, मटर पनीर, चावल और ये सत्तू रोटी है जिसको यहाँ के लोकल भाषा में मखनी कहा जाता है। तो ये पराठे से अलग है, इसको तवे पे सेका गया है, इसके अंदर स्टफिंग सत्तू की गई है, उसके ऊपर से इन्होंने देसी घी लगाया है। इसको ट्राई करते हैं दही के साथ। मैंने एक काफ़ी है इसमें, सबसे पहले टेस्ट किसी का आया है तो सरसों के तेल का आया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है सरसों के तेल का, बहुत ही उम्दा। अगर इस भोजनालय की बात की जाए, राजस्थान भोजनालय की, ये लगभग 45 साल पुराना है और यहाँ पे जो भी सब्जियाँ बनती हैं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता, तो बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन है। ये जो दाल है इसमें चना है, मूंग है और अरहर है, तीनों को मिक्स करके दाल बनाई गई है। बिहार का एक स्टेपल फूड है दाल भात और दोपहर के समय लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग सुबह काम पर जाने से पहले भी दाल भात खा के जाते हैं घर से। तीखा है थोड़ा। तो ऐसा जो तरीका है खाने का, दाल, चावल, थोड़ी सी आलू करेले की भुजिया, इसे मिलाते हैं थोड़ा सा पालक और मूंग दाल और ये तैयार हुआ बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन। ज़बरदस्त सर, बहुत ही बढ़िया। राजमा और साथ में इसमें छिलके वाले आलू हैं। इनफैक्ट आलू खाने का मज़ा छिलकों के साथ ही आता है, ज़्यादा फ्लेवर निकल के आता है। अब ट्राई करते हैं कढ़ी और चावल। ये इसमें ये बड़ी है बेसन की और बेसन की ही कढ़ी। थोड़ी हल्की थोड़ी सी मीठी है। ट्राई करते हैं मटर पनीर। काफ़ी मीठा पनीर और मटर भी मीठा है। तो देखा जाए तो इस थाली में हमें सारे फ्लेवर्स मिले। दाल थोड़ी तीखी थी, मटर पनीर मीठा है, कढ़ी मीठा है, आलू करेले की भुजिया थोड़ी तीखी थी और राजमा हल्का सा मिक्स, ज़्यादा तीखा नहीं, बैलेंस था। तो ये थे बिहार के कुछ और स्थानीय जायके और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा खाना खा के, खासकर मखनी बहुत बढ़िया था। चले धन्यवाद। हम लोग जो चाट के बारे में जानते हैं, पापड़ी चाट, दही भल्ला, आलू टिक्की चाट, समोसा चाट, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाट की वैरायटी देखें तो बहुत ही अलग है। पालक चाट काफ़ी कॉमन है,
वेजिटेबल चाट भी मिल जाएगी, टमाटर चाट भी मिल जाएगी, बनारस ही काफ़ी प्रसिद्ध है, पालक चाट भी बनारस में काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन पनीर चाट, ब्रेड चाट, ब्रेड ब्रेड का बेस बना के लगा के बनाते हैं उसके ऊपर में, ये हमने कलकत्ता में ट्राई किया है। मशरूम चाट के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ मैं, गोभी चाट, आलू मूँगफली की चाट, क्या बात है। हमने लिया है पालक पनीर की चाट, मतलब इसमें क्या क्या डाला है पहले आप बताइए। पनीर डाले, फिर इसमें थोड़ा पनीर का पकौड़ा है। हाँ, पनीर का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा काट के डाला, उसके बाद पालक थोड़ा सा डाल दिए। पालक थोड़ा सा बोले तो ये पालक का पकौड़ा है मेरे, ये पालक आप सब जगह से अलग मिलेगा, ये क्रिस्पी है पालक। ये किसमें डाल के बनाते हैं? सूजी में मेरे यहाँ बनता है, इसको खाइए बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चाट ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये देख के मेरे को लग रहा है कि आपकी अपने इनोवेशन है। उसके बाद क्या डाला? ये तो पालक का पकौड़ा गया, इसमें जिसमें सूजी का बैटर डाल के बनाया गया, उसके बाद छोला डालें, चटनी डालें, दही डालें, और ये चाट मसाला डालें, नमकीन डालें, हरा मिर्च। तो मतलब ये भी मानने वाली बात है कि चाट में राजमा भी गया है, छोले भी गया है, और भी कई चीज़ें गई हैं, पकौड़ा के ऊपर में टॉपिंग की गई है। आइए अब जायका लेते हैं, पहले मैं चाट ट्राई करूँगा फिर पकौड़ा ट्राई करूँगा। ये कैसे आइडिया आया आपको ये चाट? लगता है मेरे को ये चाट आपका ही बनाया हुआ है। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 10 साल हो गए। कैसा लोग पसंद आता है यहाँ के लोकल लोगों को? बहुत बढ़िया, मतलब ये चाट और जो हम लोग पनीर मंचूरियन खाते हैं उससे मिलता जुलता थोड़ा स्वाद है इसका। इसको मैं कह सकता हूँ बहुत ही अनोखा जायका है गया का। हमें एक आलू का मालपुआ ट्राई करवाइए। ये आलू का मालपुआ है, ये इतना फ्लफी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके साइड्स बहुत ही क्रंची हैं और बीच में बिल्कुल सॉफ्ट, अच्छा चाशनी में डूबा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया। संतोष जी कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? 93 में दुकान खुला। 93 से ही पे? हाँ। सिर्फ एक ही चाय बनाते हैं, लेमन टी, दूध का नहीं बनाते हैं? नहीं। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। 3 से 11? और सुबह के टाइम पे पसंद नहीं करते हैं लोग? सुबह में हम दुकान नहीं, दुकानदारी में सत्संग वाला, सुबह दुकानदारी नहीं मिलता। हाँ बहुत ही बढ़िया चाय, बिल्कुल एक तरह से डाइजेस्टेड ड्रिंक लग रही है। हाजमोला डालते हैं क्या आप इसके? हाजमोला है डाले में, हाजमोला ना। हाँ वही क्या, हाजमोला फ्लेवर आ रहा है। काला नमक है, पीपल है, जमाइन है, सब मिक्स करके पीस देते हैं मिक्सी में, ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद नींबू मिला है और चाय मिला है? चीनी, चीनी चपत्ती, नींबू डाल के फला दी। वाह, तो ये तो मसाले वाली चाय हो गई। हाँ मसाला चाय, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा संतोष जी आपसे मिलके, बहुत बढ़िया चाय पिलाए। अभी आपके सामने बनने वाली है गया में सबसे बड़ी इमरती। ये कितने किलो की इमरती बनेगी? आधा किलो का? अरे साहब, पे तीन लेयर हैं, तीन परतें हैं इमरती की, तो मैं इसको इमरती नहीं इमरता कहूँगा, जैसे जलेबी जलेबा हो गया वैसे इमरती इमरता हो गया। ये और ये इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत जगह इमरती खाई है, लेकिन जितने स्पीड में इमरती आप बना रहे हैं वही मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब एक मिनट में 14 इमरती के पीसेस बनाना, ये भी एक ताजुब वाली बात है। उड़द की दाल को 2 घंटे पहले भिगोया जाता है, उसके बाद उसको पीसते हैं, उसके बाद फिर घोटते हैं, ऐसे मिलाया जाता है अच्छे से,
उसको मिलाने के बाद फिर इसको तेल में फ्राई करते हैं, फिर फ्राई होने के बाद ये क्रिस्प हो जाता है, फिर चाशनी में डुबो देते हैं, हल्का फूड कलर डालते हैं। तो ये जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, ये छोटी 17 इमारती का इक्विवेलेंट है। ये आ गया अभी बिल्कुल क्रंची जूसी बहुत ही उमदा। आपका नाम क्या हुआ? महानंद जी। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये 16 साल की। 16 साल और शुरुआत इमरती से हुई थी। आपके तो और भी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं, सेब, बूंदी, खाजा। हाँ, जैसे कि बालसाही हो गया, जैसे कि आपका गाजा हो गया, मुगदल है, बेसन की लड्डू, और ये आपका खजूर, सेव, सब हमारे यहाँ सब ताज़ा ताज़ी रोज़ बनता है और रोज़ बिकता है। यहाँ डेली बनना है, डेली बिकना है। अच्छा भाई, इमरती लोग सुबह ज़्यादा पसंद करते हैं कि शाम में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या पूरे दिन चलती है? ये तो अगर पूरा दिन बेचे तो पूरा दिन लोग भोजेंगे, मगर 2-2:30 बजे के बाद ही निकालते हैं ना, इसको सब सामान बन जाता है उसके बाद इसका हिसाब किताब। क्या कि ये जब बनता है तो 4-4 आदमी लग जाता है इसमें। अच्छा, एक ठो फेंटेगा, एक ठो बनाएगा, एक ठो यहाँ डुबाएगा उसको चाशनी में। हाँ, चाशनी में डुबाएगा, एक तो काउंटर पर रहेगा, 4 आदमी है। तो मेहनत वाला काम है। बहुत सारा धन्यवाद सर, धन्यवाद। मीठा काफ़ी ज़्यादा हो गया, आइए मथुरा वाली की दुकान पे पान खाते हैं। अरे एक मकई पत्ता का पान लगाइए। और गया के पान के बारे में बताइए, गया का मकई पत्ता काफ़ी प्रसिद्ध है, अपने दुकान के बारे में बताइए। गया मकई पान जो है सो मगध, ये मगध रेंज में पड़ता है गया जिला, तो मगध में ही मकई पान जो होता है सो मकई बोला जाता है। कि पान हम लोग देखिए टोकरी में रह के लेते हैं, इसको फिर रोज़ छाटते हैं धीरे धीरे, 15 दिन एक महीना में धीरे धीरे पकाते हैं और बेचते जाते हैं। और कितने दिन तक चलता है ये पान? ये पान का पत्ता कितने दिन तक चल जाता है? पान का पत्ता जो हम लोग को अब जाड़ा में जो पान निकलता है वो जिन्हें गात पान, वो 6 महीना तक, 8 महीना तक उसको पान को हम लोग रख सकते हैं, उसका लाइफ होता है। अपने दुकान के बारे में बताइए। ये दुकान मेरा तीसरा पूरी चल रहा है, मेरे दादाजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, अब हम भी तैयारी में हैं, चौथा जनरेशन वहाँ खेल रहा है, तैयार है। अच्छा ये बताइए दुकान का नाम मथुरा, मेरे पिताजी का नाम से है मथुरा जी। अच्छा, उनके नाम पड़ा, उनके नाम मतलब मथुरा से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें मथुरा जी से कुछ उनका नाम ही है। मेरे दादाजी बड़ा धार्मिक आदमी थे, तो अपने सब पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर रखी, तो हमारा भी नाम श्याम रख दी दादाजी। ये सुपारी कौन सी है? ये तो आसाम का सुपारी है, सूखा हुआ है, ये इसी को हम 8 घंटा भिंगा दिए तो भिंगा सुपारी हो गया। बनारस में ये सुपारी सिर्फ चलता है, ये निर्मली सुपारी है, ये आयुर्वेदिक सुपारी है, इसको खाने से शरीर को कुछ हिट करता है। और ये चित्ती सुपारी है, ये जब सुपारी जब आसाम में कच्चा रहता है ना, तो उसी का कुछ प्रोसेस करके इन लोग चित्ती सुपारी बना देते हैं, ये भी बहुत गर्म है। और ये सुपारी है, ये कच्चा सुपारी को ही इसको भून देते हैं, पहले तो दूध में इसको भूनते थे, अब तो चूना वगैरह में भूनते थे, भांजा सुपारी हो गया, थोड़ा सोंधा होता है। अब ये सुपारी का कहा जाता है ना कि अगर आपको बिच्छा वगैरह काट दिया ना तो इसको वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा ना, तो पूरा खींच लेता है, पूरा पॉइजन निकाल लेता है। हाँ, ये निर्माली सुपारी का कमाल है। चलिए हमको इस सुपारी में खिलाइए। तो यह गया का प्रसिद्ध मगही पान। धन्यवाद।
तरह से मेरठ की रेबड़ी और मुरैना की गजक प्रसिद्ध है, उसी तरह से गया जाना जाता है अपने तिलकुट के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे गया का तिलकुट बनाया जाता है और उसका जायका भी आप तक पहुँचाते हैं। तो चीनी को पानी में उबाल के उसके बाद ठंडा करते हैं। किलो चीनी का बनाया जाता है 7 केजी में 2 लोटा पानी बस। दो तरह की त्रिकुट बनाई जाती है, एक चीनी वाली है, एक गुड़ वाली है। ये चीनी वाली बन रही है, चीनी वाली है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ चीनी है? ये सिर्फ चीनी है। अच्छा, ये तो अभी हार्ड लिंक कैसे? हाँ, ये हार्ड है, इसको आग में गलाया जाता है, ये मुलायम हो जाएगा। मुलायम हो जाता है? मुलायम हो जाएगा, उसके बाद इसको मैश दिया जाएगा। मैशने के बाद वो भुना चालू हो जाएगा, उसके बाद कूटेंगे इसको। तो इसीलिए इसका नाम तिल कुट पड़ा, क्योंकि कुट को कूटा जाता है, तिल को उसको कूटेगा, उसके बाद वो तिल कुट हो जाएगा। अच्छा, और गुड़ वाला कैसे बनाता है? गुड़ वाला भी उसी तरह बनता है जो तरह चीनी का बनता है ना, उसमें गुड़ डाल, उसमें ये फर्क है, उसमें खाली गुड़ डाल जाता है और चीनी डाल जाता है। चीनी डलता है उसमें, उसमें मात्रा चीनी की भी होती है। गुड़ का मात्रा कम रहता है, चीनी का मात्रा ज़्यादा रहता है। तिल खुद में काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और इनफैक्ट ठंड के समय तिल खाना चाहिए, काफ़ी गर्म भी करता है। मैं तो आएगा चीनी है, तेल है। वाह, ये बजो तिलकुट बनने से पहला एक स्टेप है, उसमें लड्डू होता है जिसमें चीनी है और तिल है भुना हुआ। जो तिल को भुना गया उसका बहुत सा सौंधापन आ रहा है इसमें। अच्छा, तो बता रहे हैं कि अच्छे तिलकुट की ये पहचान है तो इसमें रेशा होना चाहिए। आप बिना देखे हुए कूट लेते हैं इसको, आंख बंद करके कूट लेते हैं। कितना साल से आप कर रहे हैं? हम लोग का पैसा, मतलब ये मेरा हम पैसा है, मतलब हम लोग का ये रोजगार है, अपना रोजगार है। हम लोग को पूर्वों के दादा परदादा चलते आ रहा है इसी से। हम लोग सीखे नहीं है, मतलब हम लोग का मतलब देन है, गॉड गिफ्टेड है। वही तो, मतलब ये कैसे करते हैं तो बिना देखे हुए? कभी लगा चोट हाथ में? तो नहीं लगा हुआ, भले जल हुआ जाता है भले। छोटा बच्चा भी चलावेगा ना, 12 साल का वो भी चलावेगा। हम चला के देखें, बाप रे, तो भारी है।
हाथ बचा के देख, हाथ ऐसे घुमाए इसको, ये है ना हम लोग इस तरह से पकड़ते हैं, ये आप सर ऊपर थोड़ा, ये है ना, ये तो 5 किलो का यही है जी। हाँ देखिए, ये जो हम लोग मारते हैं पूरा कूटना होता है चारों तरफ से, करना होता है चारों पल्ली, आपको देख के भी हम कूट सकते हैं। वाह भाई, क्या कहेंगे, देखिए है ना, देख हमको रहे हैं और कूट कैसे रहे, वो एक्सपीरियंस ही है, इसमें चलते रहता है, ये किसी को मसीन नहीं हो गया। नहीं, वह ट्राई करते हैं, उंगली नहीं कुछ आना चाहिए, नहीं उंगली कुछ आएगा नहीं, आप अपने हिसाब से, उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे नहीं, उसके बाद ऐसे, देखिए हम कर सही तो कर रहे हैं, नहीं 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 हो रहा ना, वो आप में थोड़ा और धसना चाहिए, देखिए इस तरह से, देखिए ये है ना, ये इस तरह से और प्रेशर से, प्रेशर थोड़ा इसमें प्रेशर पड़ना चाहिए, देखिए ये अधूरा हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत फर्क है, ये थोड़ा तैयार हो गया, ये अभी और कूटना पड़ेगा। कितना घंटा काम करते हैं रोज? अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग का टोटल काम हो जा रहा है 16 घंटा। 16 घंटा सुबह 6 बजे से 9:45 का बाद हम लोग खत्म हो जाता है, तो सोच लीजिए कितना घंटा हो गया, रात को 11 बजे। बाप रे, मानना पड़ेगा इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं आप लोग, 16-17 घंटा बहुत होता है। और मेहनत ना है, एक तिलकुर का, अब मशीन से नहीं हो सकता है काम, ये मशीन का काम नहीं है, ये हाथ से ही होगा, वो मशीन का अगर भी निकल जाता है तो ऐसा टेस्ट, अब ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा, कैसे बना हुआ है हर चीज़ का निकल जाता है निर्माण, मगर इसका नहीं निकल सकता, इसीलिए कि इसका बहुत देर रब काम है, पहले उसमें चाशनी होना है, अगर तिल भी कच्चा रहेगा तो उससे नहीं चलेगा, बनी नहीं सकता कच्चा तिल से, ये बनी नहीं सकता, पहले कच्चा तिल को खरीद को हम लोग गुजवाते हैं, उसका एक कारीगर अलग अलग रहता है गुजने वाला। सर गुड़ वाला तिल को टेस्ट कराइए, एक गुड़ वाला एक चीनी वाला दोनों। ये बिल्कुल फ्रेश है, और जैसा मैं बता रहा था, बिहार में प्रचलन है कि 14 तारीख को जब मकर संक्रांति होती है उस दिन बिहार में लोग सुबह के टाइम पे चूड़ा दही और तिलकुट खाते हैं, तो इसलिए काफ़ी भीड़ भी लगी हुई यहाँ पे। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, डिब्बे पैक करा के ले जा रहे हैं। हमने 2 तरह के तिलकुट यहाँ पे ट्राई किए, एक गुड़ वाला चीनी वाला। गुड़ वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल खाते ही मुँह में घुल गया, बहुत ही खस्ता था और सॉफ्ट का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर था उसमें। तो अगर आप गया आएँ तो खासकर अक्टूबर से मार्च, लगभग दशहरे के बाद से होली तक की डिश मिलनी शुरू हो जाती है, यहाँ कई जगह हैं जहाँ मिलता है ये, लेकिन 2 जगह सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, एक श्री राम जी की दुकान है और एक जोगी जी की दुकान है। ये नपना, इससे चाय नापा जाता है, और पूरा चाय एक प्याली का आएगा इसमें डालने से, हैं पूरा एक प्याली चाय आएगा, दो प्याली आएगा, चलिए हमको 2 प्याली नाप के दीजिए इससे, मतलब ये भी कला है कि इसको चारों तरफ से तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया गया कि इसमें सिर्फ पूरी 2 प्याली ही चाय आएगी, इसमें ज़्यादा नहीं आएगी। अब देखें कितना आता है इसमें, अरे वाह पूरा 1 प्याली आया है, 10 रुपया का चाय, आप बोले 2 प्याली आएगा इसमें, अच्छा 10 वाला है, वाह बहुत ही बढ़िया चाय है, बिल्कुल दूध में पत्ती, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर, कोयले में पकी हुई और कूलर में सर्व की गई, 50 साल पुरानी दुकान है महाशय टी स्टॉल।
आपका नाम क्या हुआ? बबलू जी। बबलू जी, बाप रे, इतने मसालों के साथ बनाया गया है ये आलू कचालू, जिसको हम लोग आलू कट के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट बचपन में एक हम लोग खेल खेला करते थे, आलू कचालू कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे। अब तो पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था। यादगार है। और बचपन में मतलब ये डिश हमने अभी कुछ दिन पहले पटना में भी ट्राई किया था, वहाँ पे इसको आलू कट बोलते हैं, यहाँ आलू कचालू बोला जाता है। आलू कतरा और यहाँ इसको आलू कचालू बोलते हैं। आलू को उबाल के उसके बाद उसको छील के उसके बाद काफ़ी मसाले डाले जाते हैं, इमली खटाई डाली जाती है, दही भी डाल सकते हैं, हमने बिना दही का लिया है। तो स्वाद अनुसार जिसको दही पसंद है जी ले सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ इमली पर ही खा सकते हैं। और बबलू जी के दुकान पे दो तरह की मिर्चें हैं, एक कम पावर वाली, एक हाई पावर वाली, जो जैसा जो खाए वैसा मिल जाए। और सुबह कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? सुबह नहीं, शाम 5 से रात 9:30 बजे, बस 4.5 घंटे रहते हैं। तो स्कूल के बच्चे तो खा ही नहीं पाते होंगे? नहीं, स्कूल का बच्चा खैर, हम लोग तो बचपन में स्कूल के टाइम पे स्कूल से लौटते समय फिक्स था रुकना, आलू कचालू खाना मेन है। अभी जितने लोग हैं यहाँ के टाउन के, खास करके अब आउट क्षेत्र के, तो वो सब जो है से रात में पार्सल ले जाते हैं 7 बजे 8 बजे से, यह देखिए वहाँ ऊपर लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, पैक करा के ले जाते हैं। इसलिए बच्चा भी खाते हैं, घर जाके खाते हैं, गार्जियन ले जाते हैं तो बच्चा खाते हैं। और ये आलू ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, सबको। गया में तो हमको समझ में आता है कि पटना से बहुत ज़्यादा खपत गया में आलू का। आइए अब जायका लें, बचपन की यादों को तरोताज़ा करें। नमक ज़्यादा है, कम है, और टेस्ट बढ़ाएं? टेस्ट ऐसे बहुत बढ़िया है, उनको तो अभी तीखा लग रहा है हल्का। तीखा कम करें, कढ़ाई डालिएगा क्या? हाँ, कुछ डालेंगे। मज़ा आ गया, बिल्कुल मिर्च कट गया एकदम। देखिए यही होता है मसालों की पहचान है और तजुर्बा। कैसे आपने, मेरे को थोड़ा तीखा लग रहा था, इन्होंने इमली की खटाई में कुछ मसाले मिलाए और वो डाला, बिल्कुल मिर्च कट गई। बहुत बढ़िया, खट्टा मीठा चटपटा मसालेदार स्वाद आलू कचालू का। एक और बिहारी स्नैक है जिसको निमकी कहा जाता है, निमकी बोलते हैं ना इसको। हाँ, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? मैदा, नमक और हींग मिलाता है। हींग बस, अजवाइन, एकदम गर्मा गर्म। अभी ठंडा होगा तो और खस्ता होगा, अभी गर्म है, थोड़ा ढीला है। बहुत बढ़िया, सर ये बताइए, जो अनरसा हम लोग जानते हैं, हाँ, उस अनरसा से काफ़ी अलग लग रहा है ये। हाँ, तो क्या फ़र्क है? एक अनरसा की गोली होती है जो हम लोग सावन के टाइम, तीज के टाइम बनाते हैं, और उस अनरसे और इस अनरसे में क्या फ़र्क है? वो अनरसा सिर्फ चावल का आटा होता है, उसको डीप फ्राई कर दिया जाता है। इसमें हम लोग खोवा मिलाते हैं या मावा मिलाते हैं। उसमें मावे में हम लोग थोड़ा शुगर डालते हैं, चीनी और थोड़ा इलायची पाउडर डालते हैं, उसको फील करके इसको बनाते हैं। तो बिहार की जैसे लिट्टी होती है ना, और दाल बाटी का बाटी होता है, तो बाटी के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। तो बिहार का जब अनरसा खाइएगा तो लिट्टी के जैसा हो जाएगा, इसके अंदर फीलिंग आ जाएगी। अच्छा, देख कितने अच्छे से आपने समझाया हमें। और उसके बाद ये जो आउटर कवरिंग है, ये चावल के आटे की है? चावल के आटे, और साथ में ऊपर तिल लगाया हुआ है, सफ़ेद तिल। हाँ, और ये सालों पर मिलता है यहाँ पर? हाँ, ऑलमोस्ट सालों। अब किसी दिन मावे का सप्लाई नहीं हुआ तो उस दिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं होगा, क्योंकि मावा हम लोग बाहर से खरीदते हैं। और ये देसी घी में फ्राई करते हैं? देसी घी में फ्राई। क्या बात है, इसका बिल्कुल आप टेक्सचर देखें, बाहर से एकदम गुलाब जामुन की तरह है,
बिल्कुल लाल अच्छे से पका हुआ, ऊपर एक साइड सफ़ेद तिल लगा हुआ है। आइए जायका लेते हैं इसका। अरे वाह क्या बात है, वाह जबरदस्त। बाहर से बिल्कुल क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और बुई, और क्रंचीनेस के लिए तिल बहुत ही उम्दा, हल्का स्टिकी भी है, बहुत ही मज़ेदार। ये कस्टमर अगर देख लिया तेल से निकलते हुए तो उसको वही तेल वाला ही पसंद आता है, चाहे आप बोलेगा वही फ्रेश नहीं, लेकिन तब भी उठाते हुए नज़र पड़ गया आदमी वही लेगा। यहाँ तो अलग अलग वैरायटी का समोसा दिख रहा है। ये पनीर सैंडविच, चाइनीज समोसा, पनीर पेटीज और पनीर सैंडविच, पनीर सैंडविच मुरमुरा मुलायम, मतलब सेम चीज है बस। वाला लोग खाएगा वो बिना दांत के लोग खाएगा। अच्छा ये ज्यादा मुलायम है, मुलायम सॉफ्ट रहता है। और ये छोटा समोसा कैसा है? इलाहाबादी समोसा है। इसके अंदर क्या स्टफ किया है? इसके अंदर स्टफ किया हुआ रहता है मूंग दाल, गरम मसाला, सेव, मसाला जेल तैयार किया जाता है, उसको जेली के भरा हुआ। ये ज्यादा लंबे समय तक चलता है? एक सप्ताह। अच्छा, और ये अपना जो वर्ल्ड फेमस समोसा है? वर्ल्ड फेमस समोसा। प्रकाश मिष्ठान भंडार के कारीगर साहब हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र यादव। समोसा आप ही ने बनाया है? इसके अंदर क्या क्या मसाला डालते हैं? इसमें आलू का बहुत सा मसाला है। आलू का बहुत सा मसाला है, क्या क्या? इसमें जीरा है, गुलकी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, आदि है, मिर्चा है, कस्तूरी मेथी है। और तो गर्मा गर्म है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। देखिए इसके अंदर में मूंगफली भी है। तो दो कारीगर ने मिलकर बनाया, राजेंद्र सुरेंद्र। चलिए जिन्होंने बनाया बहुत ही टेस्टी है, सबसे अच्छी बात बिल्कुल फ्रेश है और मसाला ज़्यादा तीखा भी नहीं है। राजेंद्र जी बताइए, काला जामुन और गुलाब जामुन में क्या फ़र्क होता है? काला जामुन और गुलाब जामुन में फ़र्क होता है सर कि काला जामुन जो है कि ज़्यादा सकैया होता है, और गुलाब जामुन में है कि दोनों सेम ताव में भू जाता है। तो गुलाब जामुन है कि हल्का ताव में धीरा 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 सेकने से जब गुलाबी कलर में आ गया तो उसको सीरा में डुबा दिए तो गुलाब जामुन हो गया, और उसी गुलाब जामुन को धीरे धीरे ताव में सेकते रह गए काला हो गया तो ये काला जामुन हो गया। काला जामुन कहिए या पंतुआ कहिए, पंतुआ भी कहते हैं इसको, इसको पंतुआ भी कहते हैं और काला जामुन भी कहते हैं। और फ़र्क ये भी है कि अगर इसको खाया जाए, जो मैं जानता हूँ, अगर इसको खाया जाए तो एक चाशनी कम सोक करता है, मतलब ज़्यादा नहीं ले पाता। नहीं, और गुलाब जामुन ज़्यादा चाशनी होती है, ज़्यादा लेता है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, कड़ा होता है। कड़ा होता है, बिल्कुल दानेदार है। इसको किसकी बनाते हैं? सिर्फ खोआ होता है कि पनीर? इसमें खोया पड़ता है और छेना पड़ता है। खोआ और छेना? हाँ। कितने मात्रा में मिलाते हैं? बराबर मात्रा में रहता है, बराबर खोआ और बड़ा छेना। हाँ। वाह। क्या क्या आपके पास? मूंगबरी है, पालक है, सामर बर्रा है, आलू दम है, दही बर्रा है, चाट है। हमारे लिए आलू दम लगाइए। मूंगबरी का रस्सा है, पालक का रस्सा है, आलू दम का रस्सा है, चना है, मटर है, दही है, इमली पानी है। और मसाला है तीन तरह का, काला नमक डालें हैं उसमें, जीरा पाउडर डालें और लाल मिर्च डालें, ऊपर से एक पैकेट सेब का डालें। भाई साहब बाप रे बाप, तीखा है तो मीठा कर दे। ना ना रह दीजिए, मीठा तो नहीं डालना ही नहीं।
आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम? मेरा नाम है ऐसे, यहाँ गया जिला में श्रीमणि प्रसाद बोलता है। श्रीमणि प्रसाद? हाँ, लेकिन वहाँ यूपी पे, यूपी में आपका अलग नाम है, बिहार में अलग नाम है। हाँ, यूपी में क्या नाम जानते हैं? यूपी में है बिंदु यादव। यूपी में बिंदु यादव, यहाँ पे श्रीमणि प्रसाद। काम है आपका पेंटिंग का, दो साल पहले आपने ये ठेला लगाया और यहाँ पापड़ी चाट बनाना शुरू किया। बहुत ही बढ़िया, स्पाइसी मसालेदार, इसको हम लोग कहते हैं ना चटक, वो है इसमें। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ज्ञान और मोक्ष की धरती पे जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे नए शहर में नए जायके के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बहुत ही तो हमने ये जो दाल है, मिक्स दाल है, इसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और हल्का जीरे के साथ इसको तड़का लगाया गया। चार दिन से बिहार में फर्स्ट टाइम चावल खा रहे हैं, कोई चावल खिलाया नहीं। उसके बाद उसमें नींबू डाला जाता है और फिर चावल से पकाई जाती है, फिर सबको मिक्स कर दिया जाता है, फिर तैयार हो जाती है संतोष जी की स्पेशल लेमन टी, है ना? न्यूज़ वाला ऐसा ऐसे आप बार बार पूछे जा रहे हैं, वीडियो क्या करेगा, न्यूज़ वाले हैं क्या, है क्या? हमारे शहर के लोग उत्सुकता ज़्यादा है, किस चीज़ का होगा क्या? इसको ये दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आप टैक्स नहीं देते हैं ना? अब गया, रिकॉर्डिंग हो गया आपका। मजाक कर रहे हैं। हम लोगों का चैनल है यूट्यूब पे, उस पर दिखाएंगे। दिल्ली फूड वॉक्स आज रात में आएगा? अरे ढाई महीना बाद आएगा भैया, ये बोल रहे आज रात में, अभी जाके एडिट करते हैं, अभी टाइम लगेगा, अभी ले जाएंगे ये भैया, बैठेंगे वहाँ पे दो चार दिन लगाएंगे, उसके बाद सुस्ती ख़त्म होगा, उसके बाद हाथ लगाएंगे। थकान भी तो हो जाता है, समझता नहीं है बात गलत है। ये असल में चाट है, इसमें सारे फ्लेवर्स मिले आपको, मीठापन भी मिले, खट्टापन भी मिले, तीखापन भी मिले और टेक्सचर्स भी अलग अलग मिले, इसमें क्रंचीनेस भी मिले, है ना? आइए। नहीं नहीं, देख रहा हूँ ना कौन से रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, चीनी वाले से ज़्यादा अच्छा मुझे गुड़ का लगा, ये बिल्कुल मुँह में जाता ही घुल जा रहा है, बहुत ही क्रम्बली है और लाइट भी है, और इसमें गुड़ का भी जायका है, साथ में भुने हुए तिल का जायका भी है, तिल को जो भुना गया उसका हल्का मीठा मीठा सौंधापन भी है और साथ में सौंफ का उमदा जायका। चलो वाह, ठीक ठाक, वाह काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम, बाय बाय।